खुशामदीद 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 टू माय व्लॉग्स। आपका वेलकम है एक बार फिर से रिव्यू पर। मैं हूँ रहमत और मैं रहती हूँ दिल्ली में, और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपनी कुछ शॉपिंग जो कि मैंने लॉकडाउन के पहले की थी, और अब लॉकडाउन के बाद उनका कुछ मायने ही नहीं निकल रहा, बेचारे आकर पड़े हुए हैं, तो सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आके देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर सोचिएगा और लाइक भी दे दीजिएगा। और अभी दिल्ली का मौसम काफ़ी शानदार हो रहा है, मैंने कुछ सीन्स को कैप्चर कर लिया था आप लोगों के लिए, और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ निकाल कर रख ली है, और मैंने अपने लिए परचेज़ किया था कॉटन सूट्स जो कि मैंने इस गर्मी में पहनने के लिए लिया था। साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने अपनी बेटी का प्ले ग्रुप स्कूल में एडमिशन भी करा दिया था, और उसके लिए मैंने कुछ शॉपिंग की थी। और ये पहला नंबर का सूट है मेरा जो कि मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही अच्छा सा कलर है। और ये सारे सूट्स जो है ना मैंने परचेज़ किया था कि अगर मैं अपनी बेटी को स्कूल लाऊंगी पहुंचाऊंगी, तो उस पर्पज़ के लिए मैंने लिया था कि मैं ये सूट्स मैं इसे सिलवा लूंगी और रोज़ आना जाना मेरा बाहर रहेगा ही, तो उस पर्पज़ में ये सूट्स मुझे काम आ जाएंगे। लेकिन लॉकडाउन होने के बाद, तो एडमिशन होने के बाद भी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्या आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं? आपको कैसा परेशानी जैसा फील होता है कि बच्चे बेचारे एडमिशन हो रखा है स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो काफ़ी दुख होता है देखकर उन्हें। और वो तो उसका पहला स्कूल था, प्ले ग्रुप था, और वो पहली बार स्कूल जाती बेचारी, नहीं जा पाई, मुझे तो बहुत अफसोस है। और ये सारे सूट्स को भी देखकर बहुत अफसोस लगता है कि बेचारे को सिला नहीं पाई मैं। बहुत अच्छा लगता अगर मैं इसे पहनती, कुछ खुशी महसूस होती मुझे नए कपड़े सिला कर पहनने में। तो ये दूसरा नंबर का सूट है, और ये सारा सूट मैंने दिल्ली के बाटला हाउस से लिया है, जिसका एड्रेस मैं आप लोगों को दे दूँगी मैंने कहाँ से लिया है। ये सादिक प्लाजा का लिया हुआ बाटला हाउस से, और ये कॉटन सूट हैं। और जो मैंने पहला सूट दिखाया था वो लगभग 1400 का था, और ये सूट जो अभी मैंने आपको येलो वाला दिखाया ये 1000 में मुझे मिला था। और अब ये सूट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी कॉटन, सारा सूट प्योर कॉटन है, दुपट्टे भी कॉटन के हैं, और बहुत ही अच्छा इनका फेब्रिक है, मुझे तो बहुत पसंद आया था। मैं बस फेब्रिक देख कर ही कपड़े लेती हूँ, अगर मुझे वो सॉफ्ट लगे, कॉटन लगे, तो मैं तुरंत ले लेती हूँ। और लाइट कलर मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो मैं प्रेफर करती हूँ लाइट कलर ही पहनना, डार्क उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है। और ये दुपट्टा मैं दिखा रही हूँ, काफ़ी सॉफ्ट सा कपड़ा है और इसके बॉर्डर बहुत अच्छे मुझे लगे थे, तो मैंने ये तीनों सूट परचेज़ कर लिया वही बटला हाउस से, और बहुत अच्छे मुझे लगे थे। तनिया आपको अच्छे लग रहे नहीं, अगर अच्छे लग रहे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और ये एक मैंने डेली वेयर के लिए एक जूती ली थी इन सूट्स पे पहनने के लिए, कि अगर मैं डेली बाहर आना जाना कर रही हूँ तो ये सूट्स के साथ मैं ये जूती भी पहनूँ। और ये कॉटन सूट है, और ये मैंने लिया था घर पे पहनने के लिए, कि घर पर रहूं तो गर्मी में ये सूट मैं सिलवा कर पहनूं। और सारे के सारे सूट पड़े रह गए, और ना जाने कब तक ये सब चीज़ मेरे पड़े रहेंगे, कुछ भी पता नहीं है। कब मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, कब सब कुछ होगा, कुछ भी पता नहीं। बस अल्लाह से यही दुआ है कि सब चीज़ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लाइफ पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो जाए, यही दुआ है। अगर आपको भी मेरी दुआ ये अच्छी लग रही, ज़रूर नीचे आमीन कह दे कि पहले से भी ज़्यादा लाइफ अच्छी हो जाए। और जो नीचे आपने पिंक बैग देखा, वो बैग मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया था, बहुत ही फरी और बहुत ही सॉफ्ट सा बैग है। छोटे बच्चे को अगर फर्स्ट डे आप स्कूल भेज रहे हो तो इस तरह का बैग ज़रूर दो, काफ़ी पसंद करेंगे इस तरह का बैग। और जो ऊपर आप ब्लैक बैग देख रहे हैं, ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था, लगभग 350 का ये बैग था, और इस पर M टैग लगा हुआ था, मेरी बेटी का नाम महरीन है, तो मैंने ये बैग को परचेज़ करना ज़्यादा पसंद किया। और इसका भी फैब्रिक जो है वो पैराशूट कपड़े का, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टडी सा बैग है, 350 में बहुत ही अच्छा बैग मिल गया। और जो मैंने फर्स्ट क्राई से बैग ऑर्डर किया था वो लगभग 400 to 500 के बीच में होगा, और वो डेली यूज़ के लिए मुझे नहीं सही लगता, इसलिए मैंने एक और ये भी परचेज़ कर लिया था। साथ साथ आप जो वाटर बोतल देख रहे हैं, ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया था, और ये लंच बॉक्स न्यासा का है। और कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग, ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये लॉकडाउन से पहले की शॉपिंग थी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आप नए हैं तो।